मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट करती है और मुंबई पुलिस जिस तरह का रवैया रहा इस पूरे केस में, मानो जैसे सीआईडी में क्या नाम है गली के पुलिस वाले हो। पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है, सिर्फ बॉडी को एक बार छिड़फाड़ किया गया है, पैक कर दिया गया, पोस्टमार्टम हो गया। इसका जो फीलिंग है वो एक डॉक्टर ने बोला हाँ भाई क्या हुआ था, ये लिख दिया, बस हो गया। आपने देखा कि डेथ ऑफ टाइमिंग नहीं है, बॉडी के अंदर में कंटेन नहीं है जूसेस के पार्ट के, जो डाइजेशन सिस्टम में होने चाहिए वो है ही नहीं। और डेप्थ एक पोस्टमार्टम की जो टाइमिंग होती है 3 घंटे होती है, लेकिन ये लोगों ने ऐसा पोस्टमार्टम किया है 1 घंटे में। पूरा महाराष्ट्र सरकार इसमें साजिश में है। आखिर अंदाजा लगाइए कि सुशांत सिंह राजपूत से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आखिर इस केस को दबाया क्यों जा रहा है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र सरकार को लगा ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र सरकार कभी सीरियस हुई नहीं। उनको लग रहा है कोई मुर्गा और का कटा है, कोई मुर्गा और का खत्म हो गया है, कोई पंछी है खत्म हो गया है, उनके लिए आम बात है क्या? नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखा है ना, किसी घर में मुर्गा कटता है तो जाके उसी का क्या नाम है नौकर बोला कि मुर्गा कट रहा है, अरे बोला कि मैं ही मुर्गा लेके आया हूँ तो मुझे नहीं पता है कटेगा क्या, पूछने के लिए लाया गया। तो महाराष्ट्र सरकार को पता है। आपको बताइए कि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट करती है और मुंबई पुलिस जिस तरह का रवैया रहा इस पूरे केस में, मानो जैसे सीआईडी में क्या नाम है गली के पुलिस वाले हो, मानो जैसे उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं हो, मानो जैसे सारे सारे हवलदार हों, उनके पास कोई कानून की जानकारी ही नहीं है। नॉर्मल डेथ होता है तो लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे, लोग करते हैं कि जांच करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना है वैसे ऐसे करना है। अब वहाँ पे ऐसे नहीं था, जिसको मर्जी में आ रहा है वो जा रहा है, जो मर्जी जो कर, मैंने भिंडी बाजार, सुशांत सिंह राजपूत का जो डेड बॉडी था वहाँ भिंडी बाजार लगा हुआ है, जिसको मर्जी में आ रहा है वो रूम में कर रहा है, कोई किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट मुंबई पुलिस उसमें शामिल थे। अच्छा, शुरुआत से ही केस की जांच में लूप होल्स बहुत रहे, पहले चाबी वाले का, फिर नौकर के बयान का, नौकर ने क्या कहा कि जूस पिया था, लेकिन जूस भेजा गया था वो पिया नहीं, लेकिन वो जूस का गिलास कहाँ है, वो जूस कहाँ है जो पिया, या पोस्टमार्टम में वो जूस क्यों नहीं निकला? क्योंकि देखिए, मैंने क्या बोला कि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है, सिर्फ बॉडी को एक बार छिड़फाड़ किया गया है, पैक कर दिया गया, पोस्टमार्टम हो गया। इसका जो फीलिंग है वो एक डॉक्टर ने बोला हाँ भाई क्या हुआ था, ये लिख दिया, बस हो गया। आपने देखा कि डेथ ऑफ टाइमिंग नहीं है, बॉडी के अंदर में कंटेन नहीं है जूसेस के पार्ट के, जो डाइजेशन सिस्टम में होने चाहिए वो है ही नहीं। और डेप्थ एक पोस्टमार्टम की जो टाइमिंग होती है 3 घंटे होती है, लेकिन ये लोगों ने ऐसा पोस्टमार्टम किया है 1 घंटे में। और दिशा सल्यान का भी यही हाल हुआ है, दिशा सल्यान का भी पोस्टमार्टम 1 घंटे में ख़त्म हुआ है। कौन सी जल्दीबाजी थी, क्या मुंबई बंद हो रही थी? नहीं, मेरा सवाल आपसे, खुद डॉक्टर साहब को पद्म भूषण मिलने वाला था कि आपने 1 घंटे में जो पोस्टमार्टम करेगा सुशांत भाई का, उसको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पद्म भूषण मिलेगा। वही मेरा सवाल कि क्या ऐसी कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हॉस्पिटैलिटी पे और डॉक्टर्स पे टेक्निक आ गई है जो 1 घंटे में भी वो पोस्टमार्टम? देखिए, महाराष्ट्र में सब कुछ मुमकिन है, जब से उद्धव सरकार आई है हर चीज़ मुमकिन है। अगर कोरोना तांडव कर रहा है तो ये मुमकिन है वहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार है। वहाँ साधुओं की हत्या होती है, ये मुमकिन है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार है। अगर किसान लगातार वहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं, ये मुमकिन है क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार है। अगर मुंबई पुलिस, जो अपने आप को स्कॉटलैंड पुलिस मानती है, अगर वो बौना साबित हो रही है, इसका मतलब कि महाराष्ट्र सरकार है, यानी ये सब चीज़ें मुमकिन है। क्योंकि मुंबई पुलिस के चरित्र पे जो इस बार दाग लगा है, क्योंकि समय समय पे होता रहता है, लेकिन ये केस में जो दाग लगा है, जो जांच ना करने का, एफआईआर दर्ज ना करने का, क्या उसका जिम्मेदार महाराष्ट्र गवर्नमेंट है? बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार नहीं है। पूरा महाराष्ट्र सरकार इसमें साजिश में है। आखिर अंदाजा लगाइए कि सुशांत सिंह राजपूत से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन आखिर इस केस को दबाया क्यों जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार, आखिर सुशांत सिंह राजपूत बगदाद के थे या इराक के थे या ईरान के थे, क्या आतंकवादी थे, क्या थे कि उनको बचाया जा रहा है, उनको दूर किया जा रहा है। एक टैलेंटेड हीरो थे, किसी का बेटा था, 71 साल के पिता का बेटा था, चार बहनों का भाई था वो, अब कोई नॉर्मल आदमी नहीं था वो, एक सितारा था, उसको इन लोगों ने बुझा दिया और एक्टिंग कर रहे हैं जैसे मुर्गा कटा हो। महाराष्ट्र पुलिस लगातार साजिश है इसमें, और याद रखिए महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पूरे कर्मकांड में सच्चा साबित है। अच्छा, तो अभी जैसे पूरा जो भी अभी चल रही है सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोई समय सीमा नहीं दी है, आपको क्या लगता है कि कोई समय सीमा होनी चाहिए थी जांच की? देखिए, समय में जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं कोई इसमें बैरिगेटिंग डाली है, कोई डेट फिक्स किया है, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको धीरे धीरे सुलझाना है और कहीं ना कहीं हर तथ्य को जोड़ना है कि किसी निर्दोष को, देखिए कानून हमेशा बोलता है कि किसी निर्दोष को, गुनहगार बच जाए अलग बात है, लेकिन कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, इसीलिए सीबीआई हर कड़ी को जोड़ रही है। ऐसा नहीं कि सीबीआई दिल्ली से उठी शक्तिमान बन के या सीधा मुंबई में पहुंची और सिद्धार्थ पिठानी को बोल दिया कि तुम गुनहगार हो, नहीं, एविडेंस के साथ कोर्ट में जाना है सीबीआई को। तो कहीं ना कहीं सीबीआई हर कदम को और हर स्टेप्स को, हर मूवमेंट को अपने पेज में नोट कर रही है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तेज़ी से नहीं लेके आएगी, अगर तेज़ी से करेगी ज़्यादा तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट पकड़ना है, जो गुनहगार को पकड़ना है वो छूट जाएगा और बेनुगार हैं, जो गलत हैं, जो सही हैं वो बेचारे बच जाएंगे। तो इनको खोलने करने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरी मुंबई सीबीआई कोशिश कर रही है और सीबीआई जिस तरह से लगातार काम कर रही है, जल्द से जल्द वो गुनहगार सामने होगा और हो सकता है कि एक दो एक 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 वीक में या हो सकता है इस वीक में, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई के पास टाइम बहुत कम है, एक चांस है, क्योंकि 7 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करना, 10 दिन तक, और 10 दिन के मामले में लगातार सीबीआई सोच रही है कि इससे पहले मैं केस को मेन जो एक्यूड है, जो मेन दोषी है, उस तक सीबीआई पहुंच जाए, ताकि सीबीआई उनको उठा के और दिल्ली लेके आए और उसके बाद जो लाठी वाली प्रक्रिया है वो शुरू करे। ये पाखंड है। और रिया के इतने फेसेस हैं कि रावण भी शर्मा गया है कि इस औरत के पास कितने फेस हैं। आ देखिए, रिया डायन प्रक्रिया की औरत है, उसके पास शक्ल बहुत है, वो इस साइड में एक समय आएगी तो अलग दिखेगी, दूसरे साइड में आएगी तो दूसरे दिखेगी, तीसरे साइड में आएगी तो दूसरे दिखेगी। एक तरफ सुशांत भाई को बाबू बोल रही है, अब महेश भट्ट को भाई बोल रही है, तो भाई बाबू है कौन, आखिर बाबू है कौन, और ये पाखंड क्यों, तुम बाबू क्यों बोल रही हो, तुम तो 8 जून को क्या नाम है महेश भट्ट को आपने ये बोल दिया था कि क्या नाम है, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम छोड़ के जा रहे हैं, और कुछ दिन के बाद तुम आती हो बोलती हो कि मेरा वो बॉयफ्रेंड था। आखिर किस को कौन सी बात लोग माने। रिया के पास बहुत सारे फेस हैं, लेकिन जब सीबीआई के पास आएगा तो सिर्फ रिया एक ही चेहरे से आएगी, क्योंकि सीबीआई के पास सिर्फ एक ही चेहरा होना चाहिए, 10 चेहरे नहीं, क्योंकि सीबीआई को मालूम है कि हमें कैसे बात उगलवाने हैं।